आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये दिवाली आपके लिए बहुत मंगलमय हो, शुभ हो, और आपके परिवार में बहुत ही सुख शांति और समृद्धि आए। तो आज मैं दिवाली के उपलक्ष में बना रहा हूँ बहुत सिंपल सी डिश, और ये बनेगी भाई सूजी से। सूजी के अंदर ये टमाटो, सो ये टमाटो स्टिक्स बन रही है। तो इसमें बहुत सिंपल है, अपना सूजी ले लेने का, टमाटो प्यूरी ले लेने का, उसमें हल्दी मिर्ची मसाले जो भी डालना है, और थोड़ा सा गेहूं का आटा भी इसके अंदर आपको मिक्स करना है। देखिए ये सब मिक्स करते हुए ये दिवाली के उपलक्ष में हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, पर ये आज ये एक स्पेशल चीज बन रही है। तो ये इस प्रकार से भाई इसका टमाटो के अंदर डाल के आटा डाल दिया, सूजी डाल दिया, और इस प्रकार से हमारे को आटा बना लेना है, जैसे कि हम रोटी का आटा बनाते हैं। और इसको इस प्रकार से लंबे लंबे बेल लेना है, आपको जो भी आपके पास में बेलन, बड़ा वाला बेलन ले लीजिए, और पतला जैसा भी हो। अभी देखिए मैं इस पे जो कटिंग चॉप का जो मेरे पास में था वो बहुत अच्छा था, उसमें ऑयल लगा के मैंने किया। तो इस प्रकार से आपको बेल लेने का, लेकिन मेरा शेप बहुत खराब आया, लेकिन अभी मैं इसको शेप दूंगा। शेप हमेशा खराब आए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम क्या करने वाले, स्टिक बना ला, स्टिक बनाने के लिए हमारे को शेप देना पड़ेगा। तो हमने इसको जो शेप दे दिया है, तो आसपास से इसको कट कर देते हैं कि लंबी लंबी स्टिक्स बन जाए। तो ये देखिए ये अभी स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर बनने के बाद इसमें फटाफट फटाफट लंबी लंबी स्टिक्स बनेगी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा कि दिवाली पे आप क्या करने वाले हैं, कैसे मिठाइयाँ बनाई हैं, और ये जो रेसिपी बना रहा हूँ क्या आपने दिवाली पे बनाई है, इसका भी जरूर कमेंट करिएगा। तो पिछला कमेंट जाता है कविता शर्मा को, जो कि झारखंड से है, और ये जो है इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है। सो कविता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप जब भी कमेंट करें तो अपना नाम और सिटी का नाम जरूर लिखें, कहाँ से आप कर रहे हैं, तो मैं अगले वीडियो में आपका नाम भी लूँगा। तो कविता शर्मा झारखंड से है। सो कविता थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट इन माई लास्ट वीडियो। तो ये देखिए भाई ये टमाटो सिक्स बनने के लिए इस प्रकार लंबे लंबे कट कर लेने का, और गरम गरम तेल में इसको भाई डाल दो, ये डुबकी मारे तेल में, और जैसे ही डुबकी मारेंगे ना तो एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। और स्लो गैस पे बनाने का, आपको तेज गैस पे नहीं बनाने का है। देखिए मैं तो प्रैक्टिस है मेरे को, लेकिन तेल आपको ना लग जाए, इसके डालते समय तेल ना उड़े, इसलिए उसका ख्याल जरूर रखिएगा आप लोग, क्योंकि दिवाली पे फटाके आप फोड़ रहे हैं तो उसमें भी बिल्कुल सावधानी बरतिएगा। कोई भी घर में तली हुई चीज बना रहे हैं तो बिल्कुल तेल से बचेगा गर्म, नहीं तो अननेसली आप हर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल धीरे धीरे करने का है इसको आपको, और स्लो गैस पे इसको आपको पकाने का है। तो ये टमाटो स्टिक्स दिवाली पे बनती बहुत ही एक अच्छी डिश है, तो इसको आप जरूर बनाइएगा। और दोस्तों ये बनाने के लिए बहुत आसान है, बहुत घर के अंदर सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये अलग अलग रेसिपी आप बना के अपने मेहमान जो आ रहे हैं उनको आप सॉस के साथ दे सकते हैं, चटनी के साथ दे सकते हैं, या आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए भाई ये स्लो गैस पे मैंने बना लिए, एक दो मेरी स्टिक जो है टेढ़ी भी हो गई है, तो मैंने जल्दबाजी थोड़ी करी थी डालने के लिए, इसलिए टेढ़ी हो गया, अदरवाइज ये सीधी रहती है। लेकिन टेढ़ी हो सीधी हो स्वाद तो भाई वही आने वाला है जो आने वाला है। तो ये जो है हमारी टमाटो स्टिक रेडी हो गई है। तो दोस्तों ये जो आप बनाते हैं ना, जो भी रेसिपी बनाते हैं, और ये रेसिपी बनाने के बाद आपके दिमाग में कोई सजेशन है किसी प्रकार की, तो वो मेरे को आप जरूर बताइएगा, तो मैं भी वो रेसिपी ट्राई करूंगा और अगले वीडियो में आपका नाम भी लूंगा। सो गाइस ये देखिए टमाटो स्टिक्स हमारी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई है, और इसके अंदर हम अब सेकेंड लॉट जो है हमने बनाया वो भी हम डाल देंगे इसमें, और सेकेंड लॉट डाल के हम फटाफट फटाफट इसको बना लेंगे टमाटो स्टिक को। ये देखिए सेकेंड लॉट भी मैंने डाल दिया, क्योंकि अब ये तेल गर्म था, तो जैसा मैं डाल रहा हूँ ऐसा मत डालिएगा, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस में, अब दोबारा आपको बोल रहा हूँ, तो तेल से आप चल जाएंगे तो मेरे को बोलेंगे ये कैसे आप डाल रहे हो, टेक्निक कर रहे हो। तो बहुत ही सावधानी बरतिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ को। और दोस्तों इस दिवाली के अंदर आप किस प्रकार से मना रहे हैं, कौन कौन सी मिठाई आपने बनाई है, कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं हो सकता है कि अगली दिवाली पे वो मिठाई तो जरूर बनाऊंगा जो आप सजेस्ट करेंगे। तो ये भाई ये हमारे टमाटो स्टिक जो है, देखिए स्लो गैस पे हम बना रहे हैं, तो टमाटो स्टिक ऑलमोस्ट बन के रेडी होने जा रही है। और ये टमाटो स्टिक भाई टेस्ट में टमाटो चटनी के साथ भी खा सकते हैं, और सॉस के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा मैं जनरली ऑयल जो यूज़ करता हूँ वो ऑयल में सरसों का नहीं यूज़ करता हूँ, मैं ग्राउंड नट ऑयल यूज़ करता हूँ, इसको मूंगफली का ऑयल कहते हैं। और ये ऑयल भी मैं खानी का यूज़ करता हूँ, जो कि कोल्ड प्रेस के अंदर तेल निकलता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जस्ट बताया मैं क्या ऑयल यूज़ करता हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल टमाटो स्टिक बन के रेडी हो गई है। दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।